नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। अखिल भारतीय चयन समिति ने बुधवार रात वेस्ट इंडीज के खिलाफ आगामी वनडे और T20 सीरीज के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। सीमित ओवरों के नियमित कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई है और वे दोनों सीरीज में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। वहीं पूर्व कप्तान विराट कोहली दोनों सीरीज में खेलेंगे। अनुभवी लेग स्पिनर कुलदीप यादव की वनडे टीम में वापसी हुई है। RPL में खेल चुके रवि बिश्नोई को T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। वहीं वेस्ट इंडीज के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। भारत को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट और वनडे सीरीज दोनों में हार का सामना करना पड़ा था। उन सीरीज में लोकेश राहुल कप्तान थे जो अब उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। KL राहुल दूसरे वनडे के चयन के लिए उपलब्ध होंगे। घुटने की चोट के बाद रविंद्र जडेजा रिकवरी के अपने अंतिम चरण से गुजर रहे हैं, इसलिए वे वनडे और T20 के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। आपको बता दें कि भारतीय टीम 3 वनडे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6 फरवरी से खेलेगी, जबकि T20 सीरीज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 16 फरवरी से खेली जाएगी। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।